सत श्रीकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीआं ताज़ा खबरां। बीते दिनी पंजाब के मलोट के एक अजिही घटना वापरी है जिस घटना तो बाद हर पास इस घटना की निंदा जरूर हो रही है। भाजपा के आगू ने अबोर तो विधायक ने जिन्हां दे नाल कुट मारतीआं तस्वीरां सामने आईआं ने। एक घटना जरूर हर एक किसी नूं परेशान कर रही है क्योंकि एक घटना नहीं सी वापरनी चाहीदी। किसान अंदोलन के दरम्यान अजिही यह पहली घटना जिसकी हर पासे निंदा हो रही है। लगातार इस घटना की निंदा किसान आगूआं ने भी की है तो उधर दूजे पासे पोलिटिकल आगूआं के वलों भी इस घटना की निंदा की गई है। भाजपा आगूआं ने भी इसकी निंदा की है तो नाल ही विरोधी धिरां दे वलों भी इसकी निंदा हुई है। कि कुछ कह रहे हैं सारे आगू सुनाने। बहुत निंदन की गल है क्योंकि लोकतंत्र दे विच अजिहे हमलिआं नूं कोई थां नहीं हैगी। डेमोक्रेसी दे विच जिहड़ा प्रदर्शन है वह शांतमई होना चाहिए है। पर यह जिहड़ा हमला होया है क्योंकि किसान जथेबंदियां शुरू तो कहिंदियां आई हैं कि जिहड़ा साडा एजीटेशन है वह शांतमई एजीटेशन रहेगा। सो इहदे नाल जिहड़ा आ यह माहौल बिगड़दा आ और पहला ही 26 जनवरी नूं लैके आपां नूं पता है संघर्ष नूं किन्नी ढाल लगी है। अजिहे काम नहीं होने चाहिए, मैं इस गल की निंदा करदा है। पर नाल दी नाल सरकार नूं भी कहांगा कि यह हालात जिहड़े ने अज 300 तों वध मौतां हो गईआं ने, लंबा समा एजीटेशन नूं संघर्ष नूं जिहड़े पंजाब दे लोक ने उह जां हरियाणे दे लोक ने जां किसान जिहड़े ने उह चला रहे ने। पर जदों आपां बेरुखी अपनावांगे ते जिहियां घटनावां नूं मतलब किते ना किते थां मिल जांदी है लोकां नूं जिहड़े इस बिरती दे लोक हुंदे उह कुछ ना कुछ अजिहा कर जांदे आ। केंद्र सरकार नूं भी सोचना चाहिए कि 300 तों वध जिहड़ियां मौतां हो गईआं अजे तक किसी ने उन्हां बारे एक गल भी नहीं कही। सो यह चीजा जिहड़ियां ने यह दोवां पक्खां तों संविधानिक संविधानां नूं जिहड़ा उह अणगौलिया कीता जा रिहा। संविधानिक अधिकारां नूं केंद्र ने भी कीता है तो हुण उही चीज जिहड़ी आ उह साडे किसान वीर जां जिहड़े किसान दे रूप विच कुछ लोग होणगे उन्हां ने अपनाई है। पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करन च असफल रही। अज पंजाब दे अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण नारंग ते जिहड़ा हमला किया गया उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई क्योंकि वह कैप्टन अमरिंदर सिंह के 4 साल की रजवाड़ा शाही सरकार को हिसाब मंगन गया। कैप्टन साहब अस्तीफा देना चाहिए थानू जड़िया मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा के अपने कुलीक अपने विधायक और ही रक्षा नहीं कर सकता। जड़ी पुलिस जड़ी सुरक्षा एजेंसियां असफल ने उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कैप्टन साहब क्या तुहाडे कोलों लोकतंत्र जो इंसाफ मंगना अपराध है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की 4 साल की वादा खिलाफी का हिसाब मंगना अपराध है? किसानी का बाना पाके यूथ कांग्रेस के लोग कांग्रेस के लोग जिस तरह अज उन्होंने हमला किया है दुखद है। तुसी पंजाब दा माहौल खराब कर रहे हो। अज मलोट दे विच भारतीय जनता पार्टी के MLA साहब नारंग साहब के नाल जिहड़ी मंदभागी घटना हुई है, मैं समझदा कि वह बहुत ही माड़ी घटना। लोकतंत्र दे विच हर एक नूं अपना पक्ष रखण दा भी अधिकार है, हर एक नूं विरोध करन दा अधिकार। पर पक्ष रखदिआं भी सारे नूं चाहिए कि इहो जिही कोई गल ना करे कि किसी का दिल दुखे। और विरोध करन दी भी हमेशा एक सीमा हुंदी। सभ्यक समाज दे विच हिंसा वास्ते कोई थां नहीं। पर मैं समझदा कि इस घटना दे विच जो देखण नूं मिलिआ वह बहुत ही दुखदाई है। इतने कहा जा सकता कि हमला करन वाले कौन से, ये तो जांच ही जिहड़ी आ उस पता लग सकता कि कौन से। पर मैं समझदा कि इहो जी हिंसा जिहड़ी आ ये किसी भी संघर्ष नूं किसी भी अंदोलन नूं हमेशा कमजोर करती। किसान जथेबंदियां दे आगूआं ने मैं देखिया कि कंडम किया और मैं समझदा सरकार की भी लॉ एंड आर्डर की यह बहुत माड़ी स्थिति है। इस करके इस गंभीर घटना तो पंजाब की सरकार नूं भी जागना चाहिए, केंद्र की सरकार में भी जगना चाहिए और यह जो तनाव वाला माहौल है यू खत्म करना चाहिए ता जो अमन शांति हो गए, हर कोई आराम ना बैठ उठ सके, पंजाब जो सा अगे बढ़ सकता है। नहीं तो यहोजी घटनावान जो होर कड़त्तन समाज के पैदा कर।
उधर बीते दिन गुजरात की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक किसान आगू हिरासत के लिया गया से जिस तों बाद हुण संयुक्त किसान मोर्चे के वलों सख्त कदम चुकन की गल आखी गई है। इस दे उत्ते बोलदे हुए बलवीर सिंह राजेवाल ने की कुछ कहा है वह सुनाने वड्डी गिणती विच किसानां ने लगातार इस धरने विच साथ दिता है। सरकार घबराई हुई है। मैं तुहाडे नाल एक गल साझी करनी चाहांगा। पहला भी मैं जो अंदर हुंदा सी सरकार दे नाल गलबात हुंदी सी दसदा रहा, मेरे साथी तुहानू दसदे रहे। एक गल चंगी तरह समझ लेनी चाहीदी है भी मोर्चा तुसी जित चुके हो। असी जदों मोर्चा लग्या बड़ा सोच समझ के इहदी तैयारी कीती। मैं वो सारी कहानी कई बार तुहानू सुनाई है कि इस तरह 2017 विच नीति आयोग की मीटिंग हुई जिहदे विच मैं हाजिर सी। उस मीटिंग विच कहा गया खेती च खड़ोत आ गई, यह खड़ोत नूं तोड़न वास्ते पैसा चाहिए है, इन्वेस्टमेंट चाहिए है, किसानों के पल्ले कुछ नहीं। उधर कणक की खरीद नूं 10 दिन लेट कर दिता गया, भाव कि हुण कणक की खरीद जिहड़ी 1 अप्रैल तो शुरू हो जाती है वह 10 अप्रैल तो आरंभी जानी है, जिसनों लैके श्रोमणी अकाली दल के वलों प्रैस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ के की गई है। श्रोमणी अकाली दल के आगू प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा का कहना सी कि लगातार एक किसानों के नाल ध्रोह हो रहा है, किसानों की फसल लेट बिकन का मतलब है कि किसानों की फसल 10 दिन तक मंडिया रुलती रहेगी। असी मंग सब तो वड्डी यही करनी है कि कणक की खरीद 1 तरीक तो शुरू करवाओ। हैरानी इस गल की है कि बारदाना नहीं पहुंचा पंजाब दे कोल, बारदाने तो बिना किवें होएगी। फिर स्पेस नहीं है, स्पेस है नहीं, सिर्फ 14 लाख टन का स्पेस आ जदों के 62 लाख टन चावल पिया जे, और चावल दे विच चुकण दे विच बड़ी वड्डी लुट हुई है पंजाब दे विच, बहुत वड्डा करोड़ों रुपए का घपला होया। उत्तर प्रदेश राजस्थान बिहार वर्गे सूबों के किसानों ने भी लुटिया, उत्थे 800 रुपया 900 रुपया क्वांटल झोना चक्या, तो इत्थे पंजाब दियां मंडियां भरतियां लैण के जाने 30,000 करोड़ की सीसी लिमिट जिहड़ी आ 44,000 करोड़ तक करनी पई। हैरानी इस गल की आ भी 28 लाख हैक्टर पिछले साल झोना सी, इस बारी 27 लाख हैक्टर झोना सी, तो पिछले साल 164 लाख टन चाव झोना आया मंडिया, तो इस बारी 218 लाख टन आ गया। मतलब तकरीबन मतलब कहे 52-58 लाख टन झोना मतलब वाधू आ गया। मतलब एक किस्म का इस तरह की क्रॉस क्रिएट करता पंजाब दे विच केंद्र ते पंजाब हुण केंद्र दी मर्जी तो बिना थोड़ो बिहार ते उत्तर प्रदेश तो झोना आया। उधर लोक इंसाफ पार्टी छड आम आदमी पार्टी च शामिल हुए मनविंदर सिंह ग्यासपुरा के वलों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने गंभीर इल्जाम ने जो लाए ने विरोधी धिरां दे उत्ते। मनविंदर ग्यासपुरा ने खास तौर दे उत्ते पंजाब दे विच चल रहे नशे दे बहन दे उत्ते वड्डी टिप्पणी की है। एक बड़ा चर्चित मामला जिहड़ा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने गुटका साहब नूं हाथ विच फड़ के 4 हफ्तियां दे विच नशे नूं खत्म करन दी सहुं खाधी, और अज उह सहुं इस गल नूं ट्विस्ट हो गई कि मैं तां लक तोड़न दी गल कीती सी। उह लक टुट्टिया जां नहीं टुट्टिया इस गल दा जनता जवाब मंगदी आ, क्योंकि रोज़ नशे दे नाल नौजवान मर रहे ने, और तुहानूं पता होणा कि 80 तो उपर मुछल पिंड दे विच जहरीली शराब दे नाल इस जिंदगी इस जहान तो कूच कर गए ने नौजवान। अज असी यह गल तुहाडे जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तो पुछना चाहुंदे आ, क्योंकि अज पंजाब दा बच्चा बच्चा घरां दे सत्थर विछके इस ड्रग दे नाल बच्चा बच्चा जानना चाहुंदा कि उह कौन लोक ने, क्योंकि जिहड़े अफसरां नूं तुसीं सस्पेंड कीता, और असीं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चेतावनी दिंदे आ कि जे इह रिपोर्टां जनतक करके इन्हां दे खिलाफ़ सख्त कार्रवाई ना कीती
आम आदमी पार्टी समुचे पंजाब दे विच एक बड़ा जन अंदोलन आने वाले दिनों दे विच करेगी और असी ये रिपोर्टा तुहाडे कोलों लवांगे ते जिहड़ियां तुसी गुटका साहब नूं हथ विच फड़ के झूठियां सौहां खादियां अज ओह झूठी सौह लक तोड़न ते आ गई ते अज पंजाब दा बच्चा बच्चा तुहाडे कोलों ओह झूठी सौह दा जवाब मंग रिहा। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों करोना काल दे दौरान शहीद होण वाले मुलाजमान दे लई एक घंटे तक ट्रैफिक जाम रखण दे लई हुकम कीते गए सन। इस दा असर पंजाब दे विच वेखण नूं मिलिया जिस असर नूं अमल दे विच खुद पंजाब पुलिस दे वल्लों लिआंदा गया। लुधियाणा ते अमृतसर दीआं तस्वीरां ने जिथे लुधियाणा ते अमृतसर दे विच अते पूरे पंजाब दे विच वख-वख थावां दे उत्ते पुलिस दे वल्लों एक घंटे दे लई ट्रैफिक रोकी रखी गई तां जो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों दित्ते गए हुक्मां नूं पूर्ण चढ़ाया जा सके। 11 तो 12 बजे तक ट्रैफिक रोकण के पिछे कारण सी कि उन्हां सारे ही करोना वॉरियर्स नूं याद किया जाए जिन्होंने इस करोना काल के दरम्यान अपनियां ड्यूटियां दे विच जां फिर इस करोना दे विच जिन्हां लोकां ने इस दुनिया तो अलविदा आख्या है उन्हां लोकां नूं याद करदियां ये एक घंटे का ट्रैफिक जाम जिहड़ा होया सी। गरीब का फिर कुछ अपने लिए कमा के लिया बंद ना की होगा कुछ नहीं हो सकता दिहाड़ी मजदूरी करा फिर गरीब बंद परेशानी जड़ा है ना होंगी अद्धा बंद करके थोड़ा गल होंगी कोई कॉलेज जा रहा कोई जॉब पर जा रहा ठीक है किसी ने बीमार है किसी ने दवाई लैन जाना एक घंटे ने श्रद्धांजलि दिलों होंगी है ना इदा बंद करके थोड़ा गल गलत है नहीं देखो लोग कोऑपरेट कर भी रहे हैं बट अज जो है डीसी साहब का हुक्म है कि आप 11 बजे तो लैके 12 बजे तक जी मूवमेंट्स है व्हीकल वो बंद करावे ताकि श्रद्धांजलि दे सके जो लोग करोना में डैथ केस हुए हैं उन्होंने लिए आप श्रद्धांजलि एक घंटे का मूवमेंट्स बंद की हुई तो सर जो लोग नहीं मनणगे क्या उन्होंने खिलाफ कार्रवाई भी की जाए लोग कोऑपरेट कर रहे हैं जो है मूवमेंट जिन्होंने अपना कार्रवाई करनी है डेली अपडाउन कर रहे हैं वो व्हीकल्स खड़े ने एक घंटे लिए आप मूवमेंट्स बंद की हुई। उधर दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दीआं चोणां दा दंगल पक चुकिया इस दंगल दे विच वड्डा फैसला आया हाईकोर्ट दे वल्लों दिल्ली हाईकोर्ट दे वल्लों फैसला आए जिस फैसले दे विच झटका अकाली दल नूं जरूर महसूस होया। यह झटका इस करके आ कि हुण कोई भी सियासी धिर दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दीआं चोणां नहीं लड़ सकेगी। दसीए कि अकाली दल की मौजूदा समय दे विच उत्थे कमेटी दे विच प्रधानगी है ते सब तो वध सीटां श्रोमणी अकाली दल ने जितियां ने इस करके काबज जो अकाली दल है दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ते पर जो फैसला इस बार आया है यह फैसला कितना कितने अकाली दल दे लई झटका साबित हो रहा है क्योंकि हुण सिर्फ ते सिर्फ धार्मिक जथेबंदियां ही दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दीआं चोणां लड़ सकणगियां। इस नूं लै के अकाली दल दे विरोधियां दे वल्लों भी खास तौर दे उत्ते कोर्ट ते इस फैसले दा स्वागत कीता गया। असीं 1.5 साल पहले अपनी पार्टी की रजिस्ट्रेशन के कागज़ रिलीजियस पार्टी के असी भेज दिते सन अपना डिपार्टमेंट नूं डिपार्टमेंट ने सानू पता ही नहीं हैगा किस बेस के उपर वो रिजेक्ट कर दिता वी डू नॉट नो। हुण जब कोर्ट के विच मुकदमा आया कोर्ट ने कहा जी ठीक है इन्हां दी प्ली ठीक हैगी इन्हां नूं रजिस्ट्रेशन दे दी जाए डिपार्टमेंट ने जाके देखा भी इन्हां कोल ते रिजेक्शन लैटर पई हुई है पर रिजेक्शन लैटर इन्हां ने सानू डिलीवरी नहीं की। सानू इन्हां ने भी कहता जी तुहाडा काम मुश्किल हैगा साडे सियाने वकील ने कहा जी पहले सब तो पहले जाके इन्हां दी डिस्पैच डेट चैक करो डिस्पैच डेट चैक की तो उहदे विच सानू डिस्पैच ही नहीं होया। असीं कानून यह कहता भी जिहड़ा ऑर्डर डिस्पैच ना होवे वो ऑर्डर बद नहीं हैगा। SDM ने इस गल दी जिहड़ी हैगी सॉरी फील किया हाई कोर्ट जज के सामने ते जितने वकील धिरां दे वकील सन उन्होंने सारिया ने बैठ के किया भी असी इस चीज़ नूं अपोज नहीं करांगे ये ठीक हैगा गलती है डिपार्टमेंट की तो लैट हिम गो असी नहीं करांगे। उन्होंने नहीं किया हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट ने साडे नूं रजिस्ट्रेशन भी इशू कर दिती और सुप्रीम कोर्ट ने उस उत्ते मोहर भी लगाती भी यस यू आर एलिजिबल टू फाइट द इलेक्शन। उधर पूरे मुल्क दे विच करोना महामारी का अगला वेग लगातार खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है। पंजाब की गल करिए पंजाब दे विचों बीते दिन 2600 के करीब जिहड़े केस सामने आए सी उस तो बाद 3176 केस हुए
तो लगातार केसों की गिणती वधती जा रही है जो कि चिंताजनक हो रहा। दिल्ली के भी केसों की गिणती के वाधा होया है। दिल्ली के डॉक्टरों का की कुछ कहना वह सुनते हैं। देखिए अभी इसमें हम बिल्कुल एकदम बोलें कि इसका जो कारण है वो अभी ढूंढ नहीं पाए हैं एग्जैक्टली, पर सबसे ज़्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जैसा जब भी हम देख रहे हैं कि कोई भी भीड़ भाड़ का जो गैदरिंग की प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, चाहे वो शादियों में हो या और भी जिस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, वो भी एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि कुछ नए तरह के वेरिएंट्स भी आए हैं, हालांकि उनके ऊपर अभी और काम चल रहा है, उसको हम नहीं कह सकते कि वो एक कारण है। पर पंजाब में जैसा हम देखें तो एक यूके वेरिएंट जैसा, यूके वाला स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन के बारे में जब जैसा हमने लास्ट ईयर भी देखा कि यूके के अंदर भी काफ़ी एकदम तेज़ी से वायरस फैल रहा था, तो वो भी एक कारण हो सकता है। देखिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वैसे तो वायरस म्यूटेट करता ही रहता है, पर हाँ अगर म्यूटेशन के बाद कोई ऐसा स्ट्रेन, ऐसा वेरिएंट जो तेज़ी से फैलता हो या जो ज़्यादा जानलेवा हो या फिर उसके ऊपर वैक्सीन इफेक्ट ना करे, ये सब चीज़ें उसकी देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो चिंता के विषय हैं वो तीन तरह के जो स्ट्रेन हैं जिनके ऊपर अभी जिनको देखा जा रहा है और जिनके ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो आपका यूके वाला वेरिएंट, दूसरा साउथ अफ्रीका का और तीसरा जो ब्राज़ील वाला स्ट्रेन है वो, और एक अभी जो डबल म्यूटेंट करके आया है, तो इनके ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बेशक कोरोना के कारण पूरे मुल्क दे विच आम लोग किसी भी तरह के त्यौहार नूं मनाउण तो गुरेज कर रहे हैं, पर फिर भी जो परंपरावां पहलां तो ही चलदियां आ रही ने उन्हां परंपरावां नूं अगे भी लजाया जा रहा है। हुण तो ही बाज़ारां दे विच होली दीआं रौनकां वेखणियां शुरू हो चुकियां ने। होली दे रंग पिचकारियां समेत वक्खो वक्खरियां चीज़ां जिन्हां दी वरतों होली दे दिन हुंदी है उन्हां दा वेचण दे लई बाज़ार सज गए ने। इस दे लई जेकर मकान जो दुकान मालक ने उन्हां दी सुणीए तां उन्हां दा कहना है कि किसी भी तरह का इस बार बहुता हुंगारा नहीं विखरिया, लोग होली दे त्यौहार दे उत्ते बहुत ही ज़्यादा खरीददारी नहीं कर रहे। करोना दे भाजी ये भी चलो अपना जिहड़ियां सरकार ने गाइडलाइन जारी कीतियां उन्हां दे मुतलक कीती जा सकदी आ, पर तुहानूं पता है बच्चों का त्यौहार आ, बच्चे कित्थे अख मंदे आ। इन्होंने जिस तरह ये परमात्मा हुण चलो कृपा करे भी ये जिहड़ा करोना की महामारी छेती तो छेती खत्म होवे, तो चलो वधिया सारा त्यौहार मनाउणे चाहीदे आपां नूं। बाकी आ भी सरकार नूं भी कुछ चाहीदा वा भी जे इन्ना करोना ने कारोबार ठप्प कीते आ ते उह कोई सरकार भी रहत देवे, कल्ला टैक्सां ते ना जोर देवे, सरकार जिहड़ी आ कुछ पब्लिक का साथ भी देवे। देखो जी एक सैलीब्रेशन हैगा साडा देश है, इहदे विच बहुत सारे त्यौहार ने, बड़े तरह के लोग रहिंदे आ, सारिआं दा एक प्यार दा एक सुनेहा हुंदा, हर त्यौहार हर मजहब दा हर कम्यूनिटी दा बंदा मनाउंदा और मनाउणा भी चाहीदा। जिंदगी बड़ी छोटी है हस खेड के, क्योंकि दुख तो सारी जिंदगी हर बंदे नूं आउंदे जांदे रहिंदे ने, पर एक जिहड़ा खुशियां दा त्यौहार है जिवें होली रंगां दा त्यौहार है, अलग अलग रंग ने, इदां जिंदगी दे भी रंग सोहणे गुलाल वर्गे लाल साफ सुथरे होने चाहीदे ने। पंजाब स्पीड दे विच फिलहाल दे लई इन्ना ही, फिर मुड़ हाजिर होवांगे नवीआं ते ताज़ा अपडेट्स नाल। तद तक लई मैनूं दे इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।